तो गाइस विंटर के बाद जितने भी कबूतर था मेरे पास ब्रीडर, ठीक है, सारे ब्रीडर कबूतर से मैंने ऑलरेडी बच्चा कर लिया था, ठीक है। और कुछ बच्चा तो मर गया, आप लोगों को दिखाया वीडियो में, जो देखते हो जानते हैं, कुछ बच्चा मर गया। और उसके बाद फिर से देखो गाइस, एक जोड़े ने मेरा घर पे अंडा फिर रख दिया। देखो गाइस यहाँ पर देखो, ये जो जोड़ा है मेरा घर के चोटियाल है, टाकी पड़ा, देखो गाइस इसने देखो अंडा रखा है रिसेंटली, दोनों अंडा ही दे दिया। ये मादी कबूतर है और वो नर कबूतर है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी भी फिर से ब्रीडिंग स्टार्ट कर दूं, क्योंकि उसके बाद देखो एक और कबूतर ने एक अंडा देके बैठा है गाइस। देखो यहाँ पर देखो गाइस, इस मादी ने अकेला है, जोड़ा नहीं है इसके पास, ठीक है, वो फिर भी एक अंडा देके ये बैठा है गाइस। देखो ये मादी, ये किसके साथ जोड़ा ले लिया पता नहीं, लेकिन सिर्फ एक ही अंडा दिया इस मादी कबूतर ने। तो गाइस मेरा जो इस बार विंटर के बाद ब्रीडिंग था, ऑलमोस्ट सारे कबूतर का ब्रीडिंग कम्प्लीट कर लिया मैंने। और उसके बाद फिर ये मादी ने जो जोड़ा ने अंडा दिया, तो मैं सोच रहा हूँ इस बार मैं अभी भी थोड़ा गर्मी में टाइम चल रहा है, तो गर्मी पूरा आने के बाद ब्रीडिंग स्टार्ट करूंगा फिर से गाइस। अभी मैं ब्रीडिंग नहीं स्टार्ट करूंगा, कबूतर का बीमारी आ सकती है। तो गाइस बहुत सारे भाई ये गलती हमेशा करती है, सीजन चेंजिंग के टाइम पे ब्रीडिंग चालू कर देते हैं। तो आप लोग कभी भी ये गलती मत करना, सीजन चेंजिंग के टाइम पे ब्रीडिंग कभी भी मत करना, ठीक है गाइस। तो गाइस विंटर के बाद जो ब्रीडिंग किया था मैंने, और उसका जो बच्चा निकलवाया था, उसका जो कलर जो चेंज होने लगा, आप लोग देखो गाइस, इस बच्चे को आप लोगों ने देखा था कितना ज़्यादा बॉर्डर वाला कबूतर था गाइस ये, ठीक है गाइस। तो इसका रेड बॉर्डर था, तो देखो ये इसका कलर कैसा चेंज हो गया। देखो गाइस ये कबूतर पूरा मोल्टिंग में आ गया, ठीक है, और उसका पंख देखो कितना फेंक दिया नीचे, और इसका कलर भी पूरा चेंज हो गया। तो देखो उसके बाद देखो गाइस, ये जो दोनों बच्चा उठाया था, ठीक है गाइस, इसका साथ एक लाल और बच्चा था वो मर गया। और उसको देखो, इसका भी कलर देखो, दोनों कबूतर का बच्चा का कलर देखो, इस टाइम पर किस टाइप का कलर आया गाइस, पूरा इस कबूतर का पूरा अलग कलर आ गया, ठीक है गाइस, बेहतरीन कलर, और वो तो हरा कबूतर का जैसा कलर आ गया। और उसके बाद देखो गाइस, ये जो जंगली के पास से लेके आया था ये दो कबूतर, इसका कलर कुछ भी नहीं चेंज हुआ, ठीक है गाइस। ये देखो नर कबूतर होगा ये साइड पे, ये कबूतर, और वो मादिन कबूतर होगा चोटियाल वाला, ठीक है गाइस, इसका कलर एक भी चेंज नहीं हुआ, एक पर भी चेंज नहीं हुआ। देखो गाइस अभी तक तो नहीं हुआ, इसके बाद होगा या पता नहीं गाइस। और उसके बाद देखो गाइस, ये जो मद्रासी पट्टा था, ठीक है गाइस, तो ये मद्रासी बच्चा का कलर देखो शानदार आ रहा है, लेकिन गाइस इसका क्वालिटी ठीक से नहीं आया गाइस। इसका देखो, इसका दुम थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है गाइस, और इसका जो पर है वो थोड़ा टूट मूट गया, तो देखो इसका क्वालिटी शानदार नहीं आया, ठीक है। तो चलो गाइस, बहुत ही बेहतरीन धूप निकला आज बाहर छत पे, तो कबूतर को सारे छत पे छोड़ते, और कबूतर को धूप देने के बाद कबूतर को नहाने के लिए पानी भी दे देते। चलो तो देखो गाइस, सारे कबूतर को लॉफ्ट से बाहर निकाल दिया और छत पे धूप पे छोड़ दिया, तो धूप में कबूतर टिक नहीं पा रहे गाइस। देखो किस तरह का हालत खराब हो रहा है, देखो छाँव में आ रहा है कबूतर, देखो देखो इसका भी हालत देखो कितना खराब हो रहा है, ठीक है गाइस, बहुत ही ज़्यादा धूप है इसलिए कबूतर टिक नहीं पा रहे धूप पे। देखो गाइस ये देखो धूप भी ले रहे दो चार कबूतर मिल के। तो देखो गाइस, ये बड़ा सा बर्तन में कबूतर के लिए पानी दे दिया, ठीक है गाइस, पानी चल रहा है, देखो ठंडा पानी आ रहा है स्नान से। तो देखो सारे कबूतर किस तरह से एग्रेसिव हो गए, देखो नहाने के लिए सारे कबूतर आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा धूप है ऊपर, देखो गाइस एक बार बहुत ही ज़्यादा धूप है। तो देखो सारे कबूतर नहा रहे हैं, मैं भी धूप में नहीं रह पा रहा हूँ गाइस, रमज़ान के महीने में रोज़ा के साथ साथ हालत बहुत ही ख़राब हो रहा है गाइस धूप में। देखो गाइस, तो देखो गाइस ये मैंने हल्दी ले लिया, ठीक है गाइस, इस पर हल्दी है, तो इस पर पानी में हल्दी दे देंगे, आज पानी में हल्दी दे के कबूतर को नहाऊंगा, ठीक है गाइस, नहाने के लिए हल्दी दे दूंगा पानी में, ये दे रहा हल्दी, जितना भी हल्दी है आज पूरा ख़त्म कर दूंगा, ठीक है गाइस, बहुत दिनों से हल्दी से नहीं नहाया कबूतर को, ठीक है। तो हल्दी देने का फ़ायदा यही है गाइस, अगर कबूतर के बदन पे कीड़ा मकड़ा होती है गाइस तो वो मर जाती है तुरंत, ठीक है, तो इसलिए कबूतर को हल्दी से नहाना चाहिए। बस मैं हल्दी को दे रहा हूँ घोल के पूरा, एक दे दिया हल्दी, तो आप कबूतर आएगा नहाने के लिए। तो गाइस आज देखो कबूतर अच्छे से, बहुत ही अच्छे से नहा रहे हैं, ठीक है, पूरा सारे कबूतर दो बार तीन बार करके नहा रहे, तो आज नहाने के बाद ज़्यादा देर तक धूप में नहीं रखूंगा गाइस कबूतर को सूखने के लिए, उसका बदन पे थोड़ा पानी रहने दूंगा, ठीक है गाइस आज कबूतर को। तो देखो किस तरह से मेरा कबूतर नहा रहा है, देखो गाइस, तो आज बहुत ही बढ़िया धूप है इसलिए बहुत ही बढ़िया से कबूतर नहा रहे, ठीक है गाइस, तो धूप ज़्यादा होगी तो कबूतर को धूप में ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ेंगे, लॉफ्ट के अंदर कर देंगे। तो देखो गाइस यहाँ पर मैंने अंडे का छिलका लेके आया था और रखा भी है, ठीक है गाइस, तो यहाँ से निकल के कबूतर को दे देते कुछ, देखो ये दे दिया, तो ज़्यादा नहीं देंगे, दाना खाने का टाइम है कबूतर को, ठीक है गाइस, तो इतना ऐसा ही देंगे अंडे का छिलका और ज़्यादा नहीं देंगे, जब दाना नहीं देंगे तब ज़्यादा देते हैं, ठीक है गाइस कबूतर को, और जब दाना खाने के टाइम होती है तो तब थोड़ा कम देते हैं। तो देखो कबूतर कैसे खाएगा गाइस, देखो ये आ रहा है सारे कबूतर खाने के लिए, देखो इतना जल्दी जल्दी आ गया, देखो सारे कबूतर खाने के लिए, ठीक है।
तो मेरा कबूतर बहुत ही पसंद करती है अंडे का छिलका खाने के लिए। ठीक है गाइस, आप लोगों का कबूतर खाते कि नहीं एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। देखो सारे कबूतर इकट्ठा हुए, तो इसको मैं पैरों से तोड़ तोड़ कर दूँ, आप लोग भी पैरों से तोड़ देना। ठीक है गाइस, देखो ये आ रहा है सारे कबूतर। तो देखो गाइस, ऑलमोस्ट सारे कबूतर ने अंडे का छिलका ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो इससे कबूतर का विटामिन कैल्शियम भी मिल गया। ठीक है, और तो चलो अब कबूतर को दाना डालते हैं। ठीक है, क्या तो देखो क्या क्या दाना मैं कबूतर को देता हूँ। ठीक है गाइस, तो देखो गाइस मैं धान लिया और धान को पानी में अच्छे से क्लीन कर लिया। देखो पानी भी अभी भी है देखो धान में। ठीक है गाइस, और ठंडा पानी है तो दाना भी ठंडा हो गया। ठीक है गाइस, तो धान को अच्छे से पानी में क्लीन कर लिया। उसके बाद देखो सारे कबूतर भूखा भी है और समझ भी आ गया उनको, तो चलो आप देते ले ले ले। तो देखो गाइस ये दे रहा हूँ, ले ले ले। देखो गाइस कबूतर को समझ भी आ गया, ये सारे कबूतर को मैं दे रहा हूँ, जितने भी उड़ने वाला कबूतर है। ठीक है गाइस, सारे को धान में दे रहा हूँ। तो ये गिरिबाज एंड मद्रासी कबूतर भी मेरे पास है। ठीक है गाइस, तो दोनों कबूतर मिलके ही खाते, कोई किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता धान खाने में। ठीक है गाइस, तो देखो 7-8 मद्रासी कबूतर भी है मेरे पास। कितना ज़्यादा धान लिया था देखो गाइस, और भी बचा है, तो सारे धान को ख़त्म कर देगा कबूतर में मिलके, एक भी धान नहीं छोड़ेगा कबूतर। तो देखो गाइस कितना सारा धान दिया था कबूतर को, तो सारे धान को कितना जल्दी जल्दी क्विक कबूतर ने खा लिया। ठीक है गाइस, तो पानी में भिगा के देने का यही एक फ़ायदा होती है कबूतर को। तो चलो अब कबूतर को गेहूँ देती है। ठीक है गाइस, तो देखो मैं गेहूँ भी लेके आया कबूतर के लिए। यहाँ पर देखो पहले एक धान की डब्बा था, उसके बाद देखो गेहूँ की डब्बा भी मैंने बना लिया। ठीक है गाइस, यहाँ पर देखो गेहूँ भी लेके आया कबूतर के लिए। देखो तो चलो आज ज़्यादा गेहूँ नहीं देंगे, इतना सा ही देंगे कबूतर। देखो गाइस गेहूँ खाने के लिए कबूतर क्या कर रहे हैं, सारे कबूतर गेहूँ खाना बहुत ही पसंद करते हैं। देखो गाइस क्या कर रहा है, देखो ले 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 ले। देखो गाइस क्या कर रहा है, देखो गाइस गेहूँ खाने के लिए कबूतर ले ले ले। देखो गाइस ये चला गया सारे कबूतर लॉक के अंदर। ठीक है, तो अब मैं लॉक को बंद कर दूंगा। तो चलो गाइस आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक ले बाय बाय।